इस तरीके का बहुत कमाल का OPPO का A91 और OPPO A8 फोन की खबर दोस्तों, ये फाइनली चीन में दोस्तों लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया में कब आएगा, लॉन्च की डेट वगैरह, तारीख, इस सब कुछ इस वीडियो पे हम बताएंगे दोस्तों। इस वीडियो को देखते रहना क्योंकि इंडिया में कब लॉन्च होगा और बेसिकली चाइना में दोस्तों इसको तो लॉन्च हो कर दिया गया है। कितना कीमत है, क्या है प्राइस, क्या है स्पेसिफिकेशंस, ये OPPO A91 साथ ही OPPO के A8 दोनों फोन्स को लॉन्च किया चाइना में और ये कितना प्राइस वगैरह होगा, सब कुछ इस वीडियो पे बताएंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखते रहना दोस्तों, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह के वीडियोज आपको चाहिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो, नीचे लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन दबा दो, साथ ही बगल वाले घंटा भी दबा देना ताकि वीडियोज आपको हर रोज की तरह आपको मिलता रहे दोस्तों। और साथ ही साथ लाइक शेयर कॉमेंट आपकी मर्जी, जितना चाहो उतना मारी दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट कर दो, बहुत ही अच्छा फील होता है। और एक बार नए हो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केशव और आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसे जी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहले अगर हम बात करते हैं OPPO के A91 फोन को लेकर दोस्तों, जो कि चाइना में लॉन्च किया गया है, इसका स्पेसिफिकेशन सबसे पहले हम कीमत के बारे में दोस्तों बात करते हैं। OPPO के A91 की कीमत दोस्तों चीन के अनुसार, चीनी युआन के अनुसार, मतलब कि हम बात करते हैं तो 1999 रुपये युआन पड़ते हैं, और भारतीय कीमत में अगर हम बात करते हैं, तब्दील करते हैं तो ये 20,297 रुपये की आती है दोस्तों, जो कि आप कह सकते हो। और अगर हम इसके एक और जो फ़ोन है इसके साथ जो लॉन्च हुआ है OPPO A8, उसकी कीमत की बात करते हो तो ये 1199 युआन आता है, और 12,000 लगभग 160 रुपये की इंडियन रुपीस के अनुसार से इसकी कीमत लगा सकते हैं दोस्तों। यानी कि 12,160 रुपये में इंडिया में जब आएगा तो ये लॉन्च होगा दोस्तों, बट इंडिया में कब लॉन्च होगा इसके बारे में भी कोई खबर नहीं है। एक्सपेक्टेशन के लिए आप कह सकते हो दोस्तों कि ये मार्च 2020 में ये लॉन्च करेगा फोन्स, और साथ ही साथ इसके कुछ स्पेक्स और कुछ इसकी जो लिक्सेस है जो कि लॉन्च हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कि स्पेक्स क्या है सब कुछ बताया है दोस्तों। तो OPPO के A91 की स्पेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है दोस्तों, जो कि इन फिंगर प्रिंट डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट आप कह सकते हो कि ये फ़ोन है, मतलब कि फ्रंट पे ही इन फिंगर प्रिंट जैसा होता है फ़ोन वो है दोस्तों। और 8GB की रैम, 128GB की डिवाइस स्टोर के साथ में आएगा, जो कि एंड्रॉयड 9 पाई का बेस्ट कलर OS 6.1 पे आधारित है, और MediaTek हेलियो प्रोसेसर P70 प्रोसेसर है, साथ ही 4 रियर कैमरे, यानी कि बैक रियर के कैमरा की बात करते हैं तो ये 48MP का कैमरा जो कि प्राइमरी होता है, 8 मेगापिक्सल्स का वाइड अल्ट्रा कैमरा कह सकते हो, और साथ ही 2MP का माइक्रो लेंस है, और साथ ही 2MP का लेंसेज है दोस्तों। तो ये फ़ोन बहुत ही कमाल है, और साथ ही साथ ये फ़ोन क्वाड रियर कैमरे के साथ में आता है दोस्तों, और 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा जो कि काफ़ी एक्सपर्ट सेल्फी OPPO यानी कि सेल्फी कैमरा के लिए काफ़ी मशहूर फ़ोन है, और 4025mAh की बैटरी इस फ़ोन में देखने को मिलता है। जहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पे वोल्टेज की, जो कि 4.0 पर चार्जिंग सपोर्ट्स करता है दोस्तों फ़ोन, काफ़ी कमाल 30W का चार्जिंग है, जो कि 30 मिनट में आपको 50% चार्ज कर जाते हैं, यानी कि 1 आवर में लगभग ये फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है A91 दोस्तों OPPO का। अब हम बात करते हैं दोस्तों OPPO के इसी A8 जो कि साथ में लॉन्च हुए, इसके स्पेक्स की बात करते हैं तो 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले के साथ में आता है फ़ोन, और माइक्रो MediaTek हेलियो प्रोसेसर P35 प्रोसेसर के साथ में फ़ोन आता है, और 4GB की रैम, 128GB की डिवाइस स्टोर के साथ में आता है, जो कि 12GB की रैम नहीं, 4GB की रैम, 128GB की डिवाइस स्टोरेज, साथ ही 12+ 2MP और 2MP का कैमरा, यानी कि ट्रिपल रियर कैमरे के साथ में ये OPPO का A8 फोन आता है दोस्तों, जो कि 12MP कैमरा प्राइमरी, 2MP का सेंसर। इसके बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा इस फोन में देखने को मिलता है दोस्तों, और फिंगरप्रिंट्स बैक में, रियर बैक में फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है दोस्तों, और 4230mAh की बैटरी, एंड्रॉयड 9 पे, कलर सो 6 पे आधारित ये फ़ोन है, जो कि फ़ोन बहुत ही कमाल है देखने को। जब लॉन्च होगा जाए दोस्तों इंडिया में तब हम बात करेंगे, फिलहाल मैं बता देता हूँ कि ये जो फ़ोन चाइना में लॉन्च हुआ है, इंडिया में कब आएगा कोई खबर नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन के लिए मैं तो उम्मीद कर सकता हूँ जनवरी फरवरी में आ जाए। आपकी क्या राय इसी फ़ोन के लेकर जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। इसके साथ विराम चाहते हैं, विराम जाने से पहले हमसे की तरह रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, फर्स्ट टाइम विजिट करो, अभी इस तरह के वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल बटन सब्सक्राइब लिखा है, साथ ही बगल वाले घंटा यानी बिल्कुल दबा दो, इस तरह का वीडियोज आपको हर रोज की तरह मिलता रहे दोस्तों। इसके साथ विराम चाहते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।